नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्राइम शतक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले, विपक्ष का संसद न चलने देना संविधान और लोकतंत्र का है अपमान। भारत के साथ इसी महीने मालाबार सैन्य अभ्यास में जुटेंगे क्वाड देश, चीन को देंगे सख्त संदेश। हिमाचल का बीएसएफ जवान शहीद, नम आंखों के साथ बेटी ने दी चिता को मुखाग्नि। कर्नाटक में कांगो के नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद प्रदर्शन और लाठीचार्ज। नोएडा हाई प्रोफाइल चोरी एक्ट में 1 किलो सोने की ईंट और 65 लाख रुपए जमीन के कागजात बरामद। दिल्ली एनसीआर में एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 2 प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, पार्क में फ्लैट नुमा कारखाना और फैक्ट्री शेड होंगे। एक्सप्रेसवे के नजदीक होने से ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगी मदद। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बेल्जियम से मिली हार पर पीएम मोदी ने की कप्तान मनप्रीत से बात। पीएम ने पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया के अच्छे खेल की तारीफ की। एलएसी पर मौजूद गतिरोध को और आगे ले जाने के पक्ष में नहीं है चीन, सकारात्मक दिशा में बढ़ने के दिए संकेत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.3 रही तीव्रता। उर्वरक घोटाले में एनआरआई और विदेशी कंपनियों की जांच जारी, केंद्र के नाम उजागर करने से किया है इनकार। कोविड प्रोटोकॉल के साथ कई राज्यों में खुले स्कूल, शिक्षण संस्थाओं में लौटी रौनक। कोरोना से जान गंवाने वाले 101 पत्रकारों के स्वजनों को मिलेगी आर्थिक मदद, केंद्र ने 5.5 करोड़ का किया मंजूर। यूजीसी ने 24 संस्थानों को घोषित किया फर्जी, यूपी के 8 और दिल्ली के 7 विश्वविद्यालय भी शामिल। इंदौर के जहरीली शराब कांड मामले में फरार आरोपी जिम्मी और उसका भाई पवन हुए गिरफ्तार। गहलोत सरकार का बड़ा कदम, एमआरआई के रजिस्ट्रेशन के जरिए पीसीपीएनडीटी एक्ट के दायरे में लाने की तैयारी। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, इस दौरान गंगेपुर आबादी रिंग बांध बचाने के लिए तेज से कार्य कराने का दिया निर्देश। आजमगढ़ में सड़कों की हालत हुई खराब, टूटी सड़कें दुर्घटना का बन रही है कारण। जालौन में बारिश की वजह से गिरा घर, हादसे में 1 व्यक्ति हुआ घायल और 1 की मौत। कानपुर में माता पिता को बेटे बहू ने किया घर से बेघर, पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने घर में पहुंचाया। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए घर के बाहर पुलिस की लगाई ड्यूटी। लखनऊ में यूपी मुहर्रम पर नहीं निकाले जाएंगे जुलूस, मुहर्रम सर्कुलर की भाषा के विरोध में शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जावाद ने डीजीपी के पद पर भड़के मौलाना।
मुरादाबाद में एक भी कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज न होने पर जनपद मुरादाबाद को कोरोना फ्री किया गया घोषित। लोगों की जिम्मेदारी न बढ़ते लापरवाही। रायबरेली में साइकिल सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान बदमाश गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने आरोपी को किया गया गिरफ्तार। चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने चार शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में दो भाइयों में हुआ जमीनी विवाद, बड़े भाई ने छोटे भाई पर किया वार। मुरादाबाद में नगर निगम की लापरवाही आई सामने, नाला निर्माण में घटिया सामग्री का किया गया प्रयोग। लखनऊ में पशुपालन विभाग में फर्जीवाड़े का बड़ा घोटाला, नियमों के विपरीत फार्म को सौंपा गया टेंडर, विभाग के निदेशक आरपी सिंह पर लगे आरोप। अलीगढ़ में मुख्य सड़कों पर भी कई गड्ढे, गड्ढों की वजह से हो रहे हादसे, हादसे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। औरैया में अज्ञात बदमाशों ने घर पर किया हमला, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने की एक्टिव। अयोध्या में अन्न उत्सव मनाने की तैयारी जोरों पर, पूर्ति निरीक्षक ने की अहम बैठक, गरीबों को निःशुल्क बांटा जाएगा सामान। गोरखपुर में छात्रा की आत्महत्या का मामला उलझा, जांच में हत्या की बात आई सामने, न्याय के लिए छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। जालौन में बीजेपी युवा मोर्चा ने संभाली कमान, युवाओं को पार्टी से जोड़ने की प्लानिंग, हर शहर में चलाया जा रहा है अभियान। जौनपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए राम गोविंद चौधरी नेता ने विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, कहा चुनाव में सपा की होगी भारी जीत। लखनऊ में दर्शकों को जल्द मिलेगी एक अच्छी फिल्म, सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर की एंट्री, फिल्म में मिलेगा रोमांस और ड्रामा का तड़का। लखनऊ में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बहाल, सभी विभागों में ओपीडी की व्यवस्था शुरू, सभी स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया गया। मैनपुरी रेप के आरोप में फंसे भाजपा नेता, आरोपी नेता ने पुलिस को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में गांजा हुआ बरामद। मुरादाबाद में 81 परिवार को पलायन के लिए हड़कंप पोस्टर लगा, परिवारों ने दी पलायन की सूचना, विशेष समुदायों पर लगाए गए गंभीर आरोप। प्रतापगढ़ में बाहुबली विधायक राजा को मिली कड़ी चुनौती, सुनील भराला ने चुनाव को लेकर किया दावा। रायबरेली में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, कई लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में अज्ञात ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया घेराव।
रामपुर सपा सांसद आजम खां को एक और बड़ा झटका, जल्द ही टूट सकता है जौहर यूनिवर्सिटी का गेट। सीतापुर में अज्ञात लोगों ने किया महिला पर हमला, महिला को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। सोनभद्र में घर में सो रहे पति पत्नी पर हमला, पत्नी की हुई मौत, पति गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर में अभिनेता विकास श्रीवास्तव हुए गिरफ्तार, शूटिंग के दौरान विकास ने किया था हंगामा। आगरा में अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत, एक हुआ घायल। आजमगढ़ में बोरे से मिला महिला का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, आगे की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में आटा पुलिस द्वारा चलाया चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को किया गया जागरूक। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को किया गया अलर्ट। लखनऊ में मुकुल गोयल ने डीजीपी का चार संभाला, जनता से सोशल मीडिया के जरिए की अपील। लखनऊ में फावड़े से काटकर युवक की हुई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फरार बदमाश की तलाश जारी। मैनपुरी में चोरों के हौसले हुए बुलंद, 1 लाख रुपए चोरी कर चोर मौके से फरार, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मैनपुरी आंगनबाड़ी विभाग में चल रहा बंदरबाट, मासूमों का हिस्सा हजम कर जाते हैं अधिकारी। मुरादाबाद में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और बदमाशों के बीच हुई झड़प, दबंगों ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जमकर पीटा। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार हुई सख्त, 10 अगस्त तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर आज से हुआ आगाज, 5 अगस्त तक ऋषिकेश में चलेंगे कांग्रेस के ये शिविर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 23 अगस्त से होगा शुरू, विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए शुरू की तैयारियां। ओडिशा से मिले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजनीतिक मुद्दों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार, जुलाई में हुआ सबसे ज्यादा टीकाकरण। लक्सर में जमीन फर्जीवाड़े में 2 शामिल आरोपी गिरफ्तार, मृत महिला की जमीन पर किया था कब्जा। लालकुआ में चेन स्नैचिंग ग्रोह का पर्दाफाश, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
लक्सर में आरएलजेपी ने चलाए सदस्यता अभियान, दर्जनों लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। मसूरी में चारधाम यात्रा खोले जाने की मांग, व्यापारियों ने सरकार से की अपील। नैनीताल में झील में उतराता मिला युवक का शव, शव मिलने से इलाके में सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को दिया देश छोड़ने का आदेश, 3 सितंबर तक जाना होगा वापस। जापान में गंभीर कोविड संक्रमितों को ही मिलेगी अस्पताल में जगह, कोरोना मामले बढ़ने पर लिया गया फैसला। अमेरिका में एक और वायरस का हमला, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल धा रहा है कहर, बच्चों पर डेल्टा वेरिएंट की भी तगड़ी मार। संकट में पीएम इमरान, पाकिस्तान में मिला खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर का ठिकाना, एफएटीएफ में बढ़ेगी मुश्किल। कनाडा के पूर्व मंत्री ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार में शामिल होने का लगाया आरोप। यूरोपीय यूनियन ने क्लियर किया स्टैंड, ताकत से सत्ता हथियाने पर तालिबान को नहीं देगा मान्यता। अफगान शरणार्थियों के लिए जल्द नया कार्यक्रम शुरू करेगा अमेरिका, हजारों लोगों के पुनर्वास की है योजना। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के लिए विशेष व्यापार दूत नियुक्त, द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मद्देनजर लिया गया फैसला। इंडोनेशिया में आए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गई तीव्रता। पाकिस्तान में पोलियो कर्मियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी की हत्या, इससे पहले पेशावर में बाइक सवार बंदूकधारियों ने एक पुलिस कांस्टेबल को मारी थी गोली। कंधार सहित कई शहरों में अफगान सेना और तालिबान आमने सामने, हेरात और लश्करगाह में भीषण लड़ाई। इंडोनेशिया के म्यांमार से आग्रह, कहा आसियान दूत की नियुक्ति को जल्द दी जाए मंजूरी। तालिबान से जारी जंग के बीच अशरफ गनी बोले, अगले 6 महीने में अफगानिस्तान में बदले जाएंगे हालात। चीन के पॉप स्टार पर 20 से अधिक महिलाओं के साथ रेप का आरोप, हो सकती है 10 साल की जेल। ओसामा बिन लादेन के भाई की बिकने वाली है हवेली, 20 साल से है खाली, करीब $2 अरब में बिकेगी ये हवेली। पाकिस्तान में बड़े कोविड के एप्सिलॉन वेरिएंट के मामले, तेजी से ट्रांसमिट होता है ये वायरस। चीन में बाढ़ का कहर, 300 से अधिक की मौत, 50 अब भी लापता, 30,000 से अधिक मकान हुए ध्वस्त। कोरोना के सुपर म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने चेताया, कहा हर 3 माह में से एक शख्स की लेगा जान।
ब्रिटेन में सालों की मेहनत के बाद हिंदू सिख समुदाय को मिली अस्थि विसर्जन के लिए खास जगह। ब्रिटेन 3.2 करोड़ लोगों को अगले महीने से लगाएगा कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए नया फीचर योनो और योनो लाइट किया लॉन्च। RBI ने दो बैंकों नोएडा कमर्शियल को ऑपरेटिव बैंक सहित नासिक की जन लक्ष्मी सरकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई लगाई, 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेनल्टी। टैक्स संग्रह में 5% बढ़ोतरी, सरकार ने जुटाया 16.32 लाख करोड़ रुपए का राजस्व। वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी सरकार को सौंपने को तैयार, मंगलम बिरला कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया ई रूपी, डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर को बनाएगा ज्यादा प्रभावी। पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में बेल्जियम जीता, भारत को 5-2 से हराया, ब्रॉन्ज के लिए मैच खेलेगी टीम इंडिया। भारतीय बल्लेबाज स्मित पटेल की कमाल बल्लेबाजी, अमेरिका में शुरू हुई माइनर लीग क्रिकेट, यूएसए 2021 में नाबाद 99 रन ठोक, दिलाई टीम को जीत। IPL 2021 में खेलेंगे इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ी, इंग्लैंड बांग्लादेश सीरीज होगा स्थगित, IPL 2021 का दूसरा सत्र 19 सितंबर से होगा शुरू। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाई, क्वार्टर फाइनल में 3-1 से बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। भारत का 14 खिलाड़ी मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट से बाहर, नॉटिंघम टेस्ट से पहले प्रैक्टिस के दौरान हुए थे चोट। नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मनी हॉस्ट के 5वें सीजन का ट्रेलर हुआ रिलीज, 2 भागों में आएगा 5वां सीजन। जॉन अब्राहम मलयालम फिल्म नायट्टू का बनाएंगे हिंदी रीमेक, अल्लू अर्जुन ने इसके तेलुगु राइट्स किए हासिल। अल्लू अर्जुन की पुष्पा का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए मेकर्स का सरप्राइज, इस फिल्म का पहला गाना जागो जागो बकरे 13 अगस्त को होगा रिलीज। बादशाह ने बचपन का प्यार गाने वाले बच्चे सहदेव के साथ फोटो की शेयर, जल्द करेंगे बड़ा ऐलान, अपने अंदाज में लेकर आएंगे बचपन का प्यार। RRR का पहला सॉन्ग दोस्ती हुआ रिलीज, मशहूर फिल्म निर्माता SS राज मौली की फिल्म का ये गाना सामने आते ही हुआ वायरल। प्राइम शो तक में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देश के हर कोने की खबर और खबर का हर एक सच।